मुझे यकीन नहीं आ रहा कि पहले दिन मेरा इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। यहाँ पे समोसे पक गए हैं मेरे, तो जल्दी से इनको निकाल लेता हूँ। यार गाइस अल्हम्दुलिल्लाह पहला ऑर्डर आ गया मुझे, तकरीबन ये बॉक्स सारे मैंने अभी रेडी किए हैं। तो हेलो गाइस अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद कैफ और आज मैं अपनी ज़िंदगी में कह लो अपना ना बिज़नेस एक छोटा सा स्टार्ट करने जा रहा हूँ। मैंने काफ़ी नौकरियाँ की हैं, जैसे मैकडोनल्ड्स पे और भी छोटी मोटी काफ़ी की हैं, लेकिन आज मैं अपना एक छोटा सा सेटअप खुद मैंने तैयार किया। बैग पैक है, सब कुछ एक छोटा सा सेटअप है, लेकिन खैर अपना है। तो किस चीज़ के बारे में बिज़नेस है मैं आपको रास्ते में बताऊंगा, अभी मैं जा रहा हूँ मार्केट, तो वहाँ पे मिलते हैं। यार सीन कुछ इस तरह का है कि मैं करने जा रहा हूँ फ्राइज़ का बिज़नेस। एक छोटा सा काउंटर बनवाया मैंने, छोटा नहीं है मतलब 5 फुट का, अभी मैं उसकी पिक वगैरह जाके वहाँ पर दिखा ही दूँगा। तो वो मेरे अबू ने बनाया क्योंकि वो वेल्डिंग का काम करते हैं, तो मैंने उनसे ही बनवा लिया। और क्या कहते हैं उसको, अब जो मेन चीज़ है वो है अब मुझे उधर जाके काम करना। बना काफ़ी देर गया, बीच में मैंने थोड़ा सा काम भी किया था लेकिन वो प्रॉपर तरह से नहीं था, कुछ समझ नहीं आ रही थी कैसे करना है क्या है। लेकिन अब वो मेरे स्टडी इसलिए बंद हुई थी, मैं ये पीछे अकेडमी है क्रिकेट अकेडमी, तो इधर खेलता था, तो वो सर गुजर रहे थे तो मैं क्या मुझे ना पहचान ले, इस वजह से मैंने वीडियो बंद कर दी। अच्छा तो अभी मैं जा रहा हूँ फिलहाल मार्केट में। अब पैकिंग का सामान था वो मैंने रात को ले लिया था, सही है। अब मुझे लेने हैं आलू, घी, बेसन और समोसे और गैस भरवानी है, सही है ना। अब मेरे पास टोटल है 3500 रुपये जो मैं घर से इन्वेस्टमेंट के लिए लेके आया हूँ, सही है। अब 1000 रुपये के आ जाएंगे आलू, 1000 रुपये का घी और मैदा वगैरह आ जाएगा, 1000 रुपये के समोसे और गैस वगैरह आ जाएंगे। 500 मैंने वैसे रखा है कि यार कुछ ऊपर नीचे ना हो जाए। तो मार्केट मेरे बस सामने है, इतवार बाज़ार है, वहाँ से थोड़ा सस्ता सामान वगैरह मिलता है। तो जहाँ मैं पैदल रहा हूँ क्योंकि मेरे पास बाइक नहीं है, उसके बाद रक्षा पकड़ूंगा, साथ साथ रहना है बस यार आज। तो यार ये मैं आ गया हूँ इतवार बाज़ार में, मॉल टाउन बाज़ार या मॉडल बाज़ार कह लो। अंदर जाके रेट वगैरह देखते हैं आलू वगैरह का क्या सीन चल रहा है। आलू यहाँ पे 100 रुपये लिखा हुआ है, तो आगे जाके देखते हैं 100 ही है कि नहीं है। अच्छा तो यार आलू मिल गए हैं, इसको उठा के बैग में रखना है। पहले मैं इसको ना यहाँ पे रख दूँ ताकि मुश्किल ना हो। अभी घी वगैरह लेना तो वो लेते हैं। तो यार यहाँ पे मैंने आलू और घी वगैरह ले लिया, बैग काफ़ी मेरा भारी हो गया है। ये भी हाथ में पकड़ा है, अभी तकरीबन कोई मेरे पास कोई 15 से 16 किलो वज़न है। अब मुझे जाना है रक्षा स्टैंड पे ताकि मैं अपने आगे जा सकूँ। अब मुझे रक्षा ढूंढना है, एक बहुत जलालत हो रही है यार, लेकिन कोई नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पे रक्षा ढूंढना पड़ेगा। थोड़ी देर तक ना खुद ही आ जाएगा इधर, स्टैंड तो यही है, बताया आप देखते हैं कब तक पहुँचते हैं। वो एक हाथ और आ रक्षा, आप देखो वो होता है कि नहीं। तो यार हुआ कुछ ऐसे भाई, मुझे ऑपोजिट साइड पे उतार दिया भाई ने, लेकिन मुझे अब जाना पड़ेगा दूसरी साइड पे, अब रोड क्रॉस करना है, उसी का इंतज़ार कर रहा हूँ। अब रोड काफ़ी तेज़ चल रहा है लेकिन वो भाई निकल गए हैं, मैं इधर ही खड़ा रह गया हूँ। अब निकलना पड़ेगा नहीं तो अब इधर से। तो रक्षा वाले ने मुझे इधर उतार दिया, मुझे यहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर और आगे जाना पड़ेगा जहाँ पे मेरे अबू की दुकान है, और वहाँ से मुझे अपना सारा निज़ाम करना पड़ेगा। तो अभी तक मैंने तकरीबन 2000 रुपये लगा दिया, 1000 रुपये के आलू लिए हैं और 1020 रुपये के मैंने घी और बेसन और मैदा वगैरह लिया। अब मेरे पास सिर्फ तकरीबन 1500 रुपये और है, उसमें से मुझे गैस और समोसे लेने पड़ेंगे। तो बकाया मिलते हैं यार वहाँ पे, अभी तक मैं काफ़ी थक गया हूँ। लोग कहते हैं कि बिज़नेस करना आसान है ये वो, भाई नौकरी ज़्यादा आसान है, क्योंकि यार नौकरी अगर 9 to 5 होती है आपने 9 बजे जाना है और 5 बजे आ जाना। अगर आपने बिज़नेस करना है तो आपको 9 बजे अगर स्टार्ट है तो आपको 2 घंटे पहले जाना पड़ेगा, और फिर क्लोजिंग करते वक्त भी 2 घंटे एक्स्ट्रा, तो ये सब होता है भाई। अभी तो मेरा पहला दिन है तो मेरा जोश है, आप देखो आगे क्या होता है। तो फाइनली मैं पहुंच गया हूँ दुकान पर, ये अबू की दुकान है, इस पर भी ताला लगा है तो इसको भी सही तरह से खोलेंगे। ये मेरे हाथ की पावर है, इसने खोला, चाबी चुबी कोई काम नहीं होता। वो मेरी कार्ड खड़ी हुई है, बैग तो उतारूँ यार भाई साहब।
बड़ा ज़ालिम था यार सफ़र। अभी दो मिनट बैठूँ यार, हवा टाइट होगी मेरी। ये मेरी कार्ड जिसको मैंने खुद ही बनवाया था, इस पे लोगो मिस्टर फ्राइज। तो आज से हम इसको थोड़ा रेगुलरली किया करेंगे। तो सबसे पहले मुझे इसको बाहर निकालना है, बाहर निकाल के फिर इसकी साफ़ सफाई करनी है, उसके बाद आलू छीलने हैं, गैस भरवानी है और समोसे लाने हैं। ये तीन काम है, उसके बाद मार्केट जाना है। यार ये है कार्ट, ये खड़ी खड़ी काफ़ी गंदी हो गई है, तो पहले मुझे इसकी सफाई करनी पड़ेगी। तो मेरे ख्याल से पहले वो कर लें, लेकिन नहीं, पहले मैं आलू छीलूंगा क्योंकि आलू पे यार काफ़ी टाइम लगता है। तो आलू छीलेंगे, बाइक में से आलू निकाल लें। तो सीन कुछ ऐसा है, ये आलू है जो कार्ट के मुझे छिलके इसमें रखने हैं, जो आलू साफ है मुझे इधर रखना पड़ेगा। स्टार्ट करते हैं। फाइनली सब कुछ रेडी हो गया, आलू भी कट गए हैं, घी भी डाल लिया, गैस रह गया वो जाते भरवा लूँगा, साफ़ सफाई भी हो गया। बकाया आप कार्ट की कंडीशन देख सकते हैं यार, पहले किस तरह की अजीब अजीब सी मैल छैल थी। ये समोसे वगैरह भी मैं ले आया हूँ, तकरीबन ये क्वांटिटी इन दोनों की 60 है, तकरीबन 56 है। और बकाया आगे पीछे से सारे घी वगैरह भी डाल लिया इसमें, और आगे से भी कुछ इस तरह की लग रही है। बस अब शॉप को करते हैं बंद और निकलते हैं फिर अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। और इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैर करे, पहला दिन है और होप सो कि जिस तरह का मैं चाह रहा हूँ वैसे हो। मौसम देखा जाए तो मौसम भी काफ़ी ठंडा ठंडा हुआ हुआ है, तो कहते हैं कि जब मौसम ठंडा हो या बारिश वाला हो तो लोग समोसे चिप्स वगैरह ज़्यादा खाते हैं। तो देखते हैं क्या सीन है। बताया शॉप की यार, अब बारी गैस भरवाने की, तो सिलेंडर खोल लेते हैं क्योंकि यार एक बार ही भरवा लें, क्योंकि अकेला होता हूँ तो बार बार आया भी नहीं जाता। कर दे किलो कर दे यार, वीडियो नाल से आज जाओ तो मशहूर करने पे हैं। तो गाइस इनके पास आया करें जब भी आपकी गैस ख़त्म हो गई हो। यार ये इनसे ही भरवा रहे हैं शुरू के, मेरा मुंह आ रहा है, नहीं आ रहा है। 270 रुपये हो गई है गैस, पहले जब मैं पहले आता था 300 रुपये की थी, तो 30 रुपये की बचत। अब इन 30 रुपये से अगले ब्लॉक में लैम्बोर्गिनी आएगी हमारी। ये मेरी कार्ट है जो दूर से कुछ इस तरह की लगेगी, और करीब करें तो कुछ इस तरह की लगेगी। एक नीचे लोगो है मिस्टर फ्राइज का, एक ऊपर लोगो है मिस्टर फ्राइज का। हाँ होगी मेहरबानी। और फाइनली मैं आ गया हूँ मार्केट में। ये मैंने अपना सारा स्टॉल कर लिया है, समोसे वगैरह पक रहे हैं अंदर, सब कुछ ये भाई साथ हैं सारे। यार यहाँ पे समोसे पक गए मेरे, तो जल्दी से इनको निकाल लेता हूँ ताकि जल ना जाए वापस ही। तो यार मैं ये तो इनकी प्राइस है ना, वो मुझे 25 का बेचना पड़ेगा, तब जाके थोड़ा सा मेरे कॉस्टिंग वगैरह मैंने सारा हिसाब लगाया पूरी होगी। अच्छा तो यार मुझे मार्केट में आए तकरीबन एक घंटा हो गया, और एक घंटे में मैंने अभी तक कुछ सेल नहीं की। अभी मार्केट की भी मैंने कंडीशन पूछी है लोगों से, वो कह रहे हैं अभी स्लो है, लेकिन होप्स हो के अभी टाइम लगेगा थोड़ा सा हो जाएगी सही। तो अभी मेरे समोसे निकल गए हैं, जो कि मैंने तकरीबन 30 समोसे निकाल लिए हैं, और चिप्स मेरी बन रही है, और वेट करते हैं अभी तक। अब मैं घंटे घंटे की अपडेट डालता जाऊंगा क्या सीन हुआ है, क्योंकि यार पहला दिन है, मैं थोड़ा सा ना करना चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा मोटिवेट कर जाऊँ, पता चले कुछ है काम पे। हाँ लेकिन नहीं भी होगा तो भी कोई मसला नहीं है। यार गाइस अल्हम्दुलिल्लाह पहला ऑर्डर आ गया मुझे, तकरीबन ये बॉक्स सारे मैंने अभी रेडी किए हैं। तो पहला स्टार्ट अच्छा हो गया, अब आगे देखते हैं। पहली बारी में फ्राइज निकाली तो वो सारी ख़त्म हो गई है, तो अब मैं दूसरी वे डाल ली, और
अभी जो मैंने कस्टमर को दिए हैं वो तकरीबन 400 की प्राइस दी थी, जिसमें से उन्होंने 100 रुपये टिप दी थी, तो बड़ा ही खुशी हुई कि पहले ही ऑर्डर मेरा काफ़ी अच्छा लगा। तो अभी देखते हैं आगे आगे क्या होता है। यार निज़ाम कुछ इस तरह का हो गया कि यार मगरिब का टाइम हो गया है, अभी तक वही जो पहले कस्टमर आए थे उन्होंने ही लिया, नमाज पढ़ दूँ और आज पता नहीं हर कोई तो जैसे आपको पता है कि मैंने इन्वेस्टमेंट 3,000 रुपये किया था और सब कुछ एंडिंग करने के बाद मुझे 500 रुपये की प्रॉफिट हुई, मतलब 3500 मेरा रेवेन्यू आया। अगर आपको मेरा ये वाला व्लॉग अच्छा लगा तो यार चैनल को कर दो सब्सक्राइब और वीडियो कर दो लाइक। बाय बाय। रेगुलरली किया करेंगे तो सबसे पहले मुझे इसको बाहर निकालना है, बाहर निकाल के फिर इसकी साफ़ सफाई करनी है, उसके बाद आलू छीलने हैं।